टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल डिवीजन ने एक पूरी नई लाइनअप लाई है नए टेक्नोलॉजीज को लेकर, चाहे ये हाइड्रोजन की हो या फिर ये फ्यूल सेल को लेकर हो या इलेक्ट्रिक को लेकर हो। सर, नई टेक्नोलॉजीज में तो आपने काफ़ी एक बहुत ही अच्छी लाइनअप जारी की है, लेकिन इसका कितना प्रतिशत आप कितना वायबल देखते हैं, इसको कितना परसेंट आपके टोटल जो पोर्टफोलियो है उसमें न्यू टेक्नोलॉजीज आने वाले दिनों में होने जा रही है? अभी ये जो ट्रांजिशन है आज के कन्वेंशनल फ्यूल्स मतलब डीजल और पेट्रोल से होते हुए पहले नेचुरल गैस में जाएगा, मतलब कॉम्प्रेस नेचुरल गैस और एलएनजी, उससे जाएगा ब्लेंडेड फ्यूल्स मतलब फ्लेक्स फ्यूल, उसके बाद बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। तो ऐसा लगता है कि आगे वाले आने वाले कुछ सालों में हमारे देश में ये सारे फ्यूल एक साथ चलेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें कुछ सालों के लिए यह सब फ्यूल्स के साथ काम करना पड़ेगा। तो इसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो हमने इस ऑटो एक्सपो में 14 कॉन्सेप्ट्स शोकेस किए हैं, जिसमें कुछ नेचुरल गैस के हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के हैं, फिर बैटरी इलेक्ट्रिक है, फिर हाइड्रोजन में फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक है और हाइड्रोजन में इंटरनल कम्बशन इंजन है, मतलब सब टेक्नोलॉजीज के कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे दिखाए। यही यहाँ पे दिख रहे हैं कि चाहे वो ईवी हो या फिर हाइड्रोजन हो या फिर फ्यूल सेल हो, ये पूरी लाइनअप इन्होंने तैयार की है। लेकिन सर, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, अगले 5 साल में कितना प्रतिशत आप देखते हैं कि चाहे वो सीएनजी हो या एलएनजी हो, कितना आपको लगता है कि ये और जो बाकी नई टेक्नोलॉजीज हैं ये आपके टोटल पोर्टफोलियो का हिस्सा बन पाएंगी? तो ऐसा है कि अगर हम 20-30 तक देखेंगे तो छोटी गाड़ियाँ मतलब स्मॉल कमर्शियल व्हीकल जिसमें हमने एस लॉन्च की है और बसेस जिसमें भी हमारी गाड़ियाँ चल रही है, इसमें हमें डबल डिजिट प्रतिशत पेनिट्रेशन दिखेगा और बहुत अच्छा पेनिट्रेशन होगा। और हमें लगता है कि हम जैसा सोचते हैं कि अभी बहुत दूर है, हमें लगता है कि ये ट्रांजिशन बहुत जल्दी हो जाएगा।